मेरे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये एक टाइल क्लीनर की बॉटल है 1 लीटर की, जो कि अब खाली हो गई है और ये चली जानी थी डस्टबिन में, लेकिन मैं उगाने वाली हूँ इसमें एक बहुत आसान से तरीके से प्लांट। और चलिए फिर मैं आपको अपना ये सिंपल सा प्रोसीजर दिखाती हूँ और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप भी प्लास्टिक वेस्ट का कुछ ना कुछ अच्छा इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो चलिए पहले हम उतार लेते हैं इसका लेबल। अब गरम चाकू की सहायता से इसका ऊपर वाला भाग मैं काट ले रही हूँ, जिससे कि हमें एक सीधा सा वर्टिकल सा प्लांटर मिल जाए। और इसमें हम अब मिट्टी भर के एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा प्लांट उगाएंगे और मैं रखने वाली हूँ उसको इंडोर्स, क्योंकि घरों के अंदर कारपेट वगैरह होती है, दरियाँ होती हैं और आगे गर्मी आने वाली है तो ज़्यादातर दरवाजे बंद ही रहेंगे और ऐसे में हमें प्लांट्स को पानी देने में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर हम इनको घर के अंदर रखते हैं तो ड्रेनेज होल्स बनाने से नीचे से पानी लीक होता है, इसलिए इस बॉटल में मैं ड्रेनेज होल्स नहीं बनाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी इस प्रकार से इंडोर प्लांट्स को रखने के लिए बहुत आसानी से ये सब वेस्ट बॉटल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसमें मिट्टी भर लेंगे और चलिए फिर आपको आगे का पूरा प्रोसीजर दिखाती रहती हूँ। मैंने भरने हैं इस बॉटल की बेस में ये कुछ पिस्ता शेल्स, जो कि सर्दी में हमने खाए थे और मैंने ये सारे शेल्स बचा के रखे थे। आप चाहें तो इनमें छोटे छोटे पत्थर भी भर सकते हैं बेस पे। बेस पे कुछ इस प्रकार से हल्के छोटे पत्थर या शेल्स डालने का पर्पस ये होता है कि मान लो कभी हमारे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी चला गया तो यहाँ पे ये सब पानी जो है जमा हो जाएगा इन शेल्स के बीच में, रूट्स को वो ख़राब नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप इंडोर प्लांट्स आसानी से लगा सकते हैं बिना छेद करे हुए। फ्रेंड्स, जो वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल थी इसको मैंने मिट्टी से भर लिया है और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ कोलियस की कटिंग्स। तो सामने आप देख सकते होंगे ऐसी ही एक और वेस्ट बॉटल थी प्लास्टिक की, जिसमें कि मैंने कुछ माह पहले कोलियस का प्लांट ये नर्सरी से ला के लगाया था और ये बहुत फैला, बहुत अच्छा हुआ। इसकी मैंने रेगुलर पिंचिंग भी करी और इसको मैंने इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है, सीधी धूप मैं इस पर नहीं आने देती हूँ क्योंकि उसमें फिर इसके जो पत्ते होते हैं उनका रंग ये सब फेड हो जाता है। तो अभी हमें गर्मी में यही ख्याल करना है कि हम इस प्लांट को चाहे तो इंडोर्स भी रख सकते हैं और चाहे तो हम अपने घर के बाहर ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर सीधी इस पर धूप ना पड़े, कोई छायादार जगह में या किसी और बड़े प्लांट के नीचे हम इसको आराम से रख सकते हैं। और इसमें इसको अब हमें, क्योंकि सर्दी जा चुकी है, अब हमें इसको रोज़ पानी देना पड़ेगा। सर्दियों में इसको मैं 3 या 4 दिन बाद थोड़ा सा पानी देती थी और वैसे ही रखा हुआ था मैंने ऐसी जगह पे जहाँ पे कि इसको 3-4 घंटे की धूप लग जाती थी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग्स काट लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने इस प्लांट से 3 कटिंग्स काट ली हैं और इसको बस अब लगा देना है मिट्टी में, कुछ खास नहीं करना है। नीचे से हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। तो चलिए आपके सामने ही इसको लगा के दिखा देती हूँ ताकि वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स को आप भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें प्लांट्स उगाने के लिए। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि गार्डनिंग एक बहुत मुश्किल सा शौक है, इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है और हमें माली बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान सा शौक है और पौधे भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते। ये मैं 40 रुपये का लाई थी लोकल नर्सरी से और इससे मैंने बहुत प्लांट्स बना लिए। मिट्टी में मैंने थोड़ा सा पानी पहले से डाल दिया था ताकि कटिंग्स लगाने में मुश्किल ना हो। आप ये देखें, बस 2 कटिंग्स थी, लगा दी मैंने। चाहे तो हम ऐसे ही रहने दें, लेकिन क्योंकि ये मेरे को किसी को गिफ्ट करना है तो मैं सोच रही हूँ कि उनको थोड़ा 3 कटिंग्स दे दूँ। ये लें, ये लग गई आपके कोलियस के प्लांट की कटिंग्स। क्या मुश्किल बात है इसमें, बहुत आसान बात है।
और आप इसको भी देखें, मैंने कोई खास खर्चा नहीं किया, वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर था, घर में ही था तो इसी में मैंने ये उगा दिया था। बस प्लांट मैं एक बार लाई थी नर्सरी से और उससे मैंने बहुत इसके बनाए हुए हैं। अपने पुराने पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया भी है कि मैं कितने प्यार से कोलियस की कटिंग्स लगा लेती हूँ और ये उस प्यार को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, बहुत अच्छे उग जाते हैं। तो बस इतना सिंपल सा ही काम करना है और आई होप आप इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे। और आप भी अपने घर में जो भी वेस्ट बॉटल्स हैं उनमें एटलीस्ट ये वाला प्लांट तो ज़रूर लगा लें, क्योंकि बहुत इजी है ये प्लांट की देखभाल करना। कुछ भी ये आपसे नहीं चाह रहा है, मिट्टी आप कहीं से भी ले आएँ, रोड साइड भी खुदाई होती है, पड़ी रहती है, वहाँ से मिट्टी ले आएँ। और ये ऐसी बॉटल्स तो अब गर्मी में हमारे घरों में अक्सर खाली होंगे, कहीं कहीं ट्रैवल करना पड़ता है या घर से हम पानी की बोतल ले जाना मान लो भूल गए, तो क्या ज़रूरी है कि हम इस बॉटल को फेंकें। और मैं तो खैर इसको पेंट कर दूँगी, आप चाहें तो इसको पेंट भी ना करें, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी ये बड़ी नेचुरल सी लुक दे रही है, अच्छी लग रही है। और इसको आप इंडोर्स रख सकते हैं, बच्चों के कमरे में रख दें जहाँ वो पढ़ाई करते हैं तो उनको भी अच्छा फील होगा। हाँ, यहाँ मैं आपसे एक बात बता दूँ कि आज मैंने ये कटिंग्स लगाई हैं तो ये थोड़ी सी ये मुरझा जाएंगी, सभी के केस में नहीं मुरझाती हैं, बिगनर्स अगर ये लगाएं तो वो घबराएं नहीं कि अगर ये ऐसे नीचे की तरफ झुक जाएं लीव्स और एकदम मुरझा जाएं, एक दो दिनों में कोलियस वापस से ठीक हो जाता है और बहुत अच्छा सा खिल जाता है। आप देखें कि मेरा प्लांट ये हमेशा ऐसे ही रहता है, कितनी सर्दी पड़े हमारे यहाँ पर तो इसको कुछ नहीं हुआ। और ये वाला जो ग्रीन प्लांट है ये तो मैं नर्सरी से लाई थी, इसके तो मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं, इसको मैंने बहुत मुश्किल से बचाया था इस वाले को। और अब आप देखें कि मदर प्लांट तो इसका पूरा मर गया था, उसके जो मैं बेबीज़ जो थे उसकी जो स्टेम्स थी वो मैंने छोटी सी काटी, फिर उनको पानी में उगाया, पानी में जड़ें आई तो फिर मैंने एक छोटा सा ये प्लांटर ख़रीदा, इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मैंने मिलाई और मिट्टी डाली, मैंने सोचा कि ये इसको बढ़ते प्लांट को ज़रूरत होगी सारे खुराक की। तो अब आप देखें ये बच गया ये प्लांट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लांट को मैंने कैसे रेस्क्यू किया मैं पुराने लिंक्स लगा दूंगी। जो व्यूअर्स इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं और वो कोलियस लगाना चाहते हैं वो प्लीज़ ज़रूर लगाएं, इसको बहुत आसान है इसकी केयर करना, बहुत आसान है। अगर आपको कोई दिक्कतें आए तो आप बेशक बेझिझक मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। मैं बचपन से इस प्लांट को लगा रही हूँ अपने घर में और मेरे को बहुत पसंद है ये प्लांट, क्योंकि बचपन की यादें भी इससे जुड़ी हैं और मैं इसको हमेशा अपने घर में लगाती हूँ। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें और हमेशा प्लांट्स उगाते रहें और पॉजिटिविटी फैलाएं। थैंक यू सो मच।